महर्षि महायोगी बाबा लोकनाथ जी का आविर्भाव उत्सव धूमधाम से गोरखपुर के दुर्गावाड़ी प्रांगण में मनाया गया। प्रातःकाल से ही तमाम भक्तों ने उपस्थित होकर पूजा अर्चना, पुष्पांजलि और आरती कर पूरे माहौल को भक्तिमय बनाया। पुरोहित देवाशीष मुखर्जी ने विधि विधान से पूजन कार्य संपन्न कराया। अशोक देव नीलू, उपेन पाल एवं वीरेंद्र पाल ने भजन कीर्तन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर निवर्तमान मेयर डॉक्टर सत्या पांडे भी उपस्थित होकर पुष्पांजलि दी और बाबा की आरती की। हमारे चैनल से बात करते हुए डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, त्रिकालदर्शी महायोगी लोकनाथ के आविर्भाव के उत्सव पर हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी पहले तो हुमायूंपुर में होता था गोरखनाथ मंदिर के पास, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा है जो यहाँ दुर्गावाड़ी स्थान है जहाँ माता दुर्गा जी का अभी मूर्ति यहाँ पे स्थापित होगा वहाँ पे होता है। ये संत, ये महायोगी ऐसे नहीं आते, ये प्रभु स्वयं अपने एक अंश के रूप में यहाँ पे अवतरित होते हैं। हम जैसे जो पाप के भवसागर में हम लोग गोते लगाते हैं, तो हमें इस पाप के भवसागर से मुक्त करने के लिए ये जो त्रिकालदर्शी हो वो हमारे अंदर की कमियों को महसूस करके उसे दूर करने का काम करते हैं। ऐसे जो लोकनाथ बाबा जी थे वो महायोगी थे, और आपने देखा होगा उनकी मुद्रा का कि वो संत जो थे वो योग के माध्यम से वो बैठते भी थे। आज हम कैसे बैठते हैं, हम न बैठना जानते हैं, न चलना जानते हैं, न खाना जानते हैं। महायोगी स्वयं में कैसे रहे, कैसे हम स्वयं में सुदृढ़ हो, ये हमें इसका ज्ञान कराते हैं। हम उनके चरणों में नमन करते हैं। आयोजक मंडल आदरणीय दीपक भैया को मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ कि हर वर्ष की बात मुझे आमंत्रित करते हैं। ये भी लगता है प्रभु की कृपा है, मैं बार बार प्रभु की कृपा को प्रणाम करती हूँ, और ये सबके लिए आप सबके सब परिवार मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और सत मार्ग पे चल के माँ भारती का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। Oh,